चंदन क्यारी में अनावृष्टि को लेकर विधायक अमर बाउरी ने चिंता जताई है और राज्य सरकार से इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चास चंदन क्यारी में धान रोपनी नगण्य है, जो भी किसान धान बीज खेत में डाले थे वो भी पानी के अभाव में सूखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा। चास चंदन क्यारी सहित पूरे बोकारो और झारखंड में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया है और बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। यह पूरा क्षेत्र एक फसलीय किसानी के लिए जाना जाता है। खेती के लिए धान ही यहाँ के किसानों का एकमात्र उपज है और जिस तरह से अभी बिचड़े भी बिहन भी नहीं फेंकाया है। रोहिणी नक्षत्र पार हुए एक डेढ़ महीना हो गया और अभी तक बिहन भी नहीं फेंकाया है। अभी रोपनी प्रारंभ हो जाती है लेकिन बिहन तक नहीं फेंकाने से किसानों में बहुत मायूसी है, उदासी है और ऐसा लग रहा है जो प्रकृति का जो संकेत है वो लग रहा है कि अभी बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं और समय निकल जाएगा तो फिर बारिश करने से कोई होने से भी कोई फायदा किसी को मिलने वाला नहीं है। ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार, झारखंड की सरकार से मेरा यह डिमांड है कि अविलंब इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और जो राहत के कार्य प्रारंभ करने हैं किसानों को, जो इसका राहत देना है, चाहे वो उनको उसके रेमेडी के रूप में उसको कुछ अनुदान देना हो या फिर उसके जो बिचड़े फेंके हैं जिन लोगों ने उससे जो नुकसान हुआ हो, ये सारी चीज़ों का आकलन करा के इमीडिएट इसको सुधार